इस मूवी की शुरुआत एक मीटोराइट से होती है जो कि अंतरिक्ष धरती पर विल्सी नाम के शहर के पास एक रात में आकर गिरता है और फिर कुछ ही देर में उसमें से एक स्फेरॉइड निकलकर टूटता है और उसमें से एक ऑर्गेनिक मटेरियल बाहर आता है। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और फिर हम देखते हैं कि अगले सुबह उस मीटोराइट से बेखबर लोग अपने काम करने में लगे हुए थे। स्टारला ग्रांट नाम की एक बहुत ही खूबसूरत टीचर बच्चों को इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा रही थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट को उससे ज़्यादा स्टारला के फिगर में दिलचस्पी थी। फिर क्लास के बाद स्टारला का हस्बैंड उसे घर ले जाने के लिए वहाँ पर आता है। फिर ट्रेवर नाम के एक पुलिस वाले ने उन दोनों को एक साथ देखा और कहा कि उसे कभी समझ नहीं आएगा कि ग्रैंड को स्टारला जैसी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। और फिर वहीं पर बैठी मार्गेट ने बताया कि ग्रैंड बहुत अमीर इंसान है और जब वो स्टारला से मिला था तब स्टारला बहुत ज़्यादा गरीब थी। चीफ पुलिस बिल ने मार्गरेट की बात काट दी और कहा कि स्टारला के 17 साल की उम्र में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और उसे देखभाल करने वाला कोई नहीं था क्योंकि उसके पिता भी नशेड़ी थे। सभी लोग स्टारला को पैसों का भूखा समझते हैं, लेकिन वहीं बिल को उन लड़कियों और उस लड़की के बीच में फर्क पता है जो कि अपनी मजबूरी के चलते अमीर लड़कों से शादी करती है। ग्रैंड जानता था कि लोग उन दोनों की शादी के बारे में क्या सोचते हैं। उसे यह भी डर था कि स्टारला उसे एक दिन छोड़ देगी और इसी की वजह से वो स्टारला के पास अपनी कार से आने के बजाय खुद घर ले जाने आता था। उस रात ग्रांड ने स्टारला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की, लेकिन स्टारला ने मना कर दिया, जिससे नाराज होकर ग्रांड घर से बाहर आकर बार में चला गया जहां पर उसकी मुलाकात ब्रेंडा से होती है। फिर कुछ ड्रिंक्स के बाद में ब्रेंडा ग्रांड को अपने साथ पास के जंगल में लेकर आती है और एक पेड़ दिखाती है जहाँ पर उसने अपना और ग्रांट का नाम लिखा था जब उसे ग्रांट पसंद था। फिर ब्रेंडा ग्रैंड को किस करने आती है, लेकिन ग्रैंड ने उसे हटाकर कहा कि उसे घर जाना चाहिए वरना स्टारला उसकी चिंता करेगी। वे वहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन इतने में ग्रैंड को वो टूटा हुआ स्फेरॉइड दिखता है जिसके पास कोई कीड़े जैसी चीज थी। जैसे ग्रैंट उस क्रिएचर को देखने आता है, उस कीड़े में से एक सुई जैसी चीज निकलती है और उसने ग्रैंड के सीने पर शूट कर दिया था। वो सुई असल में एक पैरासाइट थी जो कि धीरे धीरे दिमाग में जाकर पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंट ब्रेंडा से बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने पर उसने फ्रिज खोला और उसमें रखा हुआ सारा मांस खा लिया था। फिर अगली सुबह स्टारला को रात में ग्रैंट को इंटीमेट होने से मना कर देने के लिए बहुत बुरा लगता है, तो इसीलिए उसने एक रोमांटिक गाना लगाया और खुद ग्रैंट के पास आ गई। ग्रैंट ने उन दोनों की शादी की फोटो देखी और वो भी स्टारला के पास इंटीमेट होने के लिए आ गया। इधर स्कूल में एक टीचर ने यह देखा कि स्टारला आज बहुत खुश नजर आ रही थी, जिस पर स्टारला ये बताती है कि ग्रैंट उसके साथ ऐसे इंटीमेट हुआ था जैसे कि वो उसके साथ पहली बार हुआ हो और उसे ग्रैंट में बदलाव भी महसूस हुआ। उसने आगे कहा कि उनकी शादी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि वो ग्रैंट के लिए वो सब करना चाहती है जो कि एक बीवी करती है। ग्रैंड के इन बदलावों को देखकर समझ आता है कि स्टारला को ग्रैंड पसंद आने लगा है और ग्रैंड ने भी ब्रेंडा को मना करके ये बता दिया कि वो भी स्टारला को उतना ही चाहता है जितना कि स्टारला। इधर दूसरी तरफ ग्रैंड हर बार से ज़्यादा मांस खरीद कर अपने घर लेकर आता है और स्टारला ने वापस आकर अपने बेसमेंट में ताला लगा देखा तो ग्रैंड ने कहा कि वो स्टारला के लिए वहाँ पर सरप्राइज प्लान कर रहा है क्योंकि 2 महीने के बाद में स्टारला का बर्थडे है। स्टारला फिर नहाने चली गई क्योंकि उसे डियर सीजन के लॉन्च की तैयारी करने के लिए बार में जाना था। फिर ग्रांट धीरे धीरे स्टारला के करीब आ रहा था और उसकी बॉडी में से टेंटिकल्स निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन ग्रांट ने उन पर कंट्रोल कर लिया था। स्टारला को ग्रांट वहां पर खड़ा दिख गया पर वो काम का बहाना करके बाहर चला गया जिससे कि स्टारला को अकेले बार में आना पड़ा। यहाँ पर बिल चाहकर भी स्टारला से नजर नहीं हटा पा रहा था और ग्रैंट ने ब्रेंडा के घर आकर उसे यह कहा कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। फिर जैसे ग्रैंट ने अपनी शर्ट उतारी, ब्रेंडा उसके कटे हुए सीनों को देखकर चौंक गई थी और तभी 2 टेंटिकल्स उसमें से निकलते हैं और ब्रेंडा के पेट में चले जाते हैं। ग्रैंट ने ब्रेंडा को लेटाकर उसका मुंह बंद करा ताकि वो चिल्ला न सके और कुछ अजीब सा लिक्विड उन टेंटिकल्स से होकर ब्रेंडा के पेट में चला गया। फिर कुछ देर के बाद में स्टारला वापस घर आई और वो ग्रैंट का सिर देखकर डर गई थी। ग्रैंड का सिर फूल रहा था तो स्टारला ने उसे जल्दी से डॉक्टर के पास जाने को कहा, लेकिन ग्रैंड ने बताया कि उसे बस मधुमक्खी ने काटा है और उसने डॉक्टर से चेकअप भी करवा लिया है। फिर ग्रैंड ने स्टारला का डरा हुआ चेहरा देखकर उसकी तरफ ऐसे न देखने को कहा और फिर अगले ही दिन स्टारला ने ग्रैंड के डॉक्टर को कॉल करके बताया कि ग्रैंड की हालत खराब होती जा रही है, पर डॉक्टर ने बताया कि ग्रैंड कभी उसके पास आया ही नहीं है।
अब घर जाते वक्त स्टेला को पड़ोस के कई सारे पालतू जानवर के गायब होने की खबर दिखी और ग्रैंट स्टेला को खुद की ऐसी हालत दिखाकर डराना नहीं चाहता था, क्योंकि भले ही पैरासाइट उसके शरीर पर कब्जा कर रहे हैं लेकिन वो स्टेला से प्यार करते रहना चाहता था। वो पैरासाइट एलियन अभी तक ग्रैंट की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि ग्रैंट ने खुद को स्टेला पर एक बार अटैक करने से रोक लिया था। उसने ब्रेंडा पर अटैक करा था क्योंकि उसे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, और ब्रेंडा की ग्रैंट के लिए फीलिंग्स होने के कारण वो बहुत ही आसान टारगेट थी। उस रात ग्रैंट ढेर सारा कच्चा मांस लेकर एक पुराने घर में ब्रेंडा को खिलाने के लिए लेकर आया, जिसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और नेक्स्ट सीन में बिल और वैली ग्रैंट के घर ब्रेंडा के गायब होने के बारे में पूछताछ करने आते हैं। बिल ने स्टेला को बताया कि आखिरी बार ग्रैंट को ब्रेंडा के घर पर जाते हुए देखा गया था और उसके बाद से ही वो गायब हो गई है। और फिर स्टेला ने यह देखा कि वो आदमी उसका पति नहीं है, तो बिल ने उससे अपना नंबर दे दिया ताकि ग्रैंट के घर आते ही वो उससे बात कर सके। फिर पुलिस के वहाँ से जाते ही स्टेला ने बेसमेंट का ताला तोड़ा और वो अंदर आ गई, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई कि पूरा बेसमेंट कुत्तों और बिल्लियों की लाशों से भरा पड़ा है। फिर स्टेला भागकर ऊपर आई और बिल को कॉल करा, लेकिन बिल का फ़ोन वॉइसमेल पर था। और जैसे ही उसने बिल को मैसेज दिया, ग्रैंट घर की खिड़की पर आया और जानवर जैसे चिल्लाने लग गया। स्टेला ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रैंट ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि उसका इरादा स्टेला को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, पर स्टेला ने उसे धोखा दे दिया और अब वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। फिर ग्रैंट ने अपने दोनों टेंटिकल्स स्टेला के पेट में डालने की कोशिश की, मगर स्टेला ने उसे धक्का दे दिया। पर जल्दी वो फिर से ग्रैंट के हाथ लग गई, और इतने में बिल वहां पर आ गया, जिसे देखकर ग्रैंट वहां से भाग निकला। स्टेला के लिए ग्रैंट्स की फीलिंग्स अभी भी जिंदा थी, मगर धीरे धीरे वो अपने शरीर का काबू खो रहा था, और इसीलिए वो वहां से भाग गया था क्योंकि अब उसका खुद पर काबू नहीं था, और अभी तक उसने सिर्फ अपने पड़ोस के पालतू जानवरों की ही जान ली थी। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडा अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कभी भी मर सकती है। फिर 3 दिन के बाद में मेयर जैक ने बिल को ग्रैंट को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए ऑर्डर दिए, क्योंकि उसके सीनियर्स उसे ये केस सॉल्व करने के लिए परेशान कर रहे थे। और इतने में बिल की असिस्टेंट शेल्बी को एक खेत से कंप्लेंट आई, तो बिल और बाकी के ऑफिसर्स तुरंत वहां पर चले गए। खेत पर जांच करते समय बिल को ये समझ आ गया कि ग्रैंट एक ही तरीके से जानवर को मार रहा है, तो सब वापस आए और सबको उस तरीके के बारे में ये बता दिया। बिल ने कहा कि इस बार ग्रैंट स्ट्रूटमेयर फैमिली के खेत पर हमला करेगा, तो सब अपने हथियार लेकर वहां पर जाने लग गए। उनके निकलने से पहले स्टेला वहां पर आती है और बिल से उसे भी साथ ले जाने को कहती है। फिर सभी ग्रैंट के हमला करने का इंतजार करते समय बिल ने स्टेला को ये याद दिलाया कि कैसे उसने बिल को अपने साथ हॉलीवुड भाग जाने के लिए पूछा था, क्योंकि वो एक्ट्रेस बनकर बिल को अपने बॉडीगार्ड बनाना चाहती थी, लेकिन बिल ने उसे मना कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि स्टेला खुद का ख्याल रख सकती है। पर स्टेला ने उसे ये याद दिलाया कि वो सिर्फ बस स्टॉप तक पहुंच पाई थी क्योंकि बिल ने स्टेला के पिता को सब बता दिया था। अब ग्रैंट वहां पर आ गया था और सबने ये देखा कि उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। फिर ग्रैंट ने एक गाय को मार दिया, तो स्टेला उसके सामने आई और उसे पुलिस के साथ चलने को कहने लगी ताकि ये लोग उसकी मदद कर सके। फिर स्टेला उसे ये याद दिलाती है कि स्टेला ने जिंदगी भर ग्रैंट के साथ में रहने की कसम खाई थी। बिल को स्टेला से प्यार था और उसे लगा था कि अब ग्रैंट उसकी जिंदगी से चला जाएगा, इसीलिए वो उसे पुरानी बातें याद दिला रहा था ताकि अब उसे स्टेला के साथ रहने का मौका मिल जाए। लेकिन स्टेला वहां पर ये बताती है कि वो ग्रैंट को ठीक करके दोबारा उसके साथ रहना चाहती है। और जैसे ग्रैंट पलट कर जाने लगता है, चार्ली नाम के एक लड़के ने उसका रास्ता रोक कर उसे शूट करने की धमकी दी और ब्रेंडा के बारे में पूछा, लेकिन ग्रैंट ने उसे अपने टेंटिकल से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर पुलिस वालों ने उस पर गोलियां चलना शुरू कर दी, तो ग्रैंट वहां से भाग गया और उसका पीछा करते करते ग्रुप उस घर तक पहुंच गया जहां पर ब्रेंडा थी। घर के अंदर आने पर सभी ये देखते हैं कि ब्रेंडा एक बॉल के जैसे फूल चुकी है, और जब तक वो उसे ठीक करने का हल सोचते हैं, ब्रेंडा की बॉडी और बड़ी होने लगी थी। फिर बिल ये देखता है कि खिड़की के बाहर ग्रैंट खड़ा है, जिससे कि उसे समझ आ गया था कि ग्रैंट ने उन सभी को फंसाया है। और जैसे ही ब्रेंडा की बॉडी फटती है, लाल कलर के बहुत सारे कीड़े उसमें से निकलते हैं और सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। बिल ये देखता है कि वो कीड़े सभी के मुंह के अंदर जा रहे हैं, और इसीलिए वो मार्गरेट और स्टेला को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद में जल्दी ही वो कीड़े उस घर से निकल कर स्ट्रूटमेयर के घर पहुंच गए थे। उनमें से एक कीड़ा बाथरूम में आया जहाँ पर काइली नहा रही थी,
और जैसे ही वो कीड़ा काइली के मुंह में घुसा, काइली को उस कीड़े के इस धरती पर आने से पहले से लेकर के ब्रेंडा को अटैक करने तक की मेमोरी दिखाई दी। फिर काइली ने जैसे तैसे उस कीड़े को अपने मुंह से निकालकर गर्म रॉड से मार डाला और वो भागकर बाहर मदद बुलाने के लिए आई, लेकिन वो देखती है कि उसकी माँ पहले ही इन्फेक्ट हो चुकी है। फिर काइली अपनी बहनों की मदद करने के लिए आती है, लेकिन वो भी कीड़ों से इन्फेक्ट हो चुकी थी, जिसके बाद में वो घर से बाहर आती है और खुद को एक ट्रक में बंद कर लेती है। काइली को ये समझ आ गया था कि उसे जो मेमोरी दिखाई दी है वो इन कीड़ों के होस्ट की है। ग्रैंड शायद पहले ही मर चुका होगा और वो एलियन ग्रैंड के जैसा बर्ताव कर रहा है, क्योंकि उसने ग्रैंड की बॉडी अपने अंदर ले ली है। भले ही स्टेला का पति मर गया हो, पर वो अभी भी उस जीव को अपनी बातों में लेकर उस शहर को बचा सकती है, क्योंकि उसके अंदर का ग्रैंड स्टेला से प्यार करता था। बिल ने शेल्बी को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया तो बिल कार के पास पैरामेडिक्स का फोन लगाने के लिए चला गया। मार्गेट ने यह देखा कि इन्फेक्ट हुए पुलिस वाले अभी भी जिंदा हैं, तो वो मिलकर उनकी बॉडीज को बाहर ले जाने लग गए। फिर हम देखते हैं कि अचानक वेली उठता है और स्टेला से उसे मार देने के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि वो उन जानवरों को नहीं मारना चाहता था और उसने ब्रेंडा को भी कीड़ा बना दिया है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यही उसकी आदत है। और जल्दी ही बाकी के ऑफिसर भी उठकर स्टेला से यही बात कहते हैं। ट्रेवर ने मार्गेट को उसकी गन निकालते हुए देख लिया तो उस पर अपने मुंह से लिक्विड फेंक कर उसे बेहोश कर दिया, इससे कि स्टेला ने वेली के सिर पर शूट किया, लेकिन उसकी गोली खत्म हो गई थी और इसीलिए वो और मेयर वहां से भाग गए। यहाँ पर काइली डर कर ट्रक में बैठी हुई थी और बाहर उसका पूरा परिवार उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर इतने में बिल वहां पर आकर उसके परिवार को अपनी तरफ बुलाता है, जिससे कि काइली भागकर बिल के पास आ जाती है। वो बिल को बताती है कि वो लोग उसका परिवार नहीं है, क्योंकि कीड़ों ने उन्हें इन्फेक्ट कर दिया है। मार्गरेट को अभी भी ये उम्मीद थी कि उसके दोस्तों को बचाने का अभी भी कोई रास्ता होगा, लेकिन स्टेला ने उन्हें मारना शुरू कर दिया था और अब अगर कोई इन लोगों को बचा सकता है तो वो बस काइली थी। लेकिन काइली ने अपने परिवार को ही बचाने की कोई बात नहीं की, जिसका मतलब ये था कि या तो वो इसका हल खुद नहीं जानती थी या फिर ये मुमकिन नहीं है। और फिर इतने में दूसरे जॉम्बीज ने आकर बिल और काइली पर हमला किया, तो दोनों पुलिस कार में आ जाते हैं और उन्होंने स्टेला और जैक को ट्रेवल से बचकर भागते हुए देखा, तो बिल ने उस पर गाड़ी चला दी। बिल और काइली चौंक गए थे जब उन्होंने स्टेला को ट्रेवर की जान लेते हुए देखा। और जैसे ही स्टेला और जैक भी कार में आते हैं, सब पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में बिल ने शेल्बी को कॉल करके CDC को बुलाने को कहा, और जैसे ही शेल्बी ने रेडियो को बंद किया, वो कीड़े सीलिंग से उसके पास पहुंचे और उसे भी इन्फेक्ट कर दिया। काइली ने सभी को बताया कि जब कीड़ों ने उन पर हमला किया तो वो भी ग्रैंड का हिस्सा बन रही थी, और जिस जीव ने ग्रैंड पर कब्जा किया था वो अंतरिक्ष से आया था, जो कि हर प्लेनेट पर जाकर वहाँ की लाइफ को मार देता है। वो जीव अपने कुछ विक्टिम्स पर या तो कब्जा करता है या तो उन्हें प्रेग्नेंट करता है और बाकी को खा जाता है। बिल ने भी कहा कि वे सभी कीड़े एक दूसरे से जुड़े हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे वो सब एक ही जीव है। बिल ने दोबारा शेल्बी को कॉल किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि शेल्बी भी अब इन्फेक्ट हो गई थी। और शेल्बी ने बिल से कहा कि उसके पास उन लोगों के लिए एक तोहफा है। और फिर इतने में एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी से टकरा गई थी। इसके चलते उनके पास इन कीड़ों को पूरे शहर को इन्फेक्ट करने से रोकने का कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो कीड़े सच में एक दूसरे से जुड़े हैं तो बिल और उसके दोस्तों को उन्हें मारने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सिर्फ एक जोम्बी को वो दिख जाएंगे तो बाकी के जोम्बिस अपने आप उनके पीछे आ जाएंगे। अपने इस शहर को छोड़कर जाना भी उनके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो कीड़े फैल कर हर जगह पहुंच जाएंगे और इसीलिए अब उन्हें ही कीड़ों को मारने के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे ही इन्फेक्टेड जोम्बीज उनकी कार के पास आते हैं, बिल ने बाहर आकर काइली को भी कार में से निकाल दिया, लेकिन स्टेला और जैक उनके हाथ लग गए थे। बिल और काइली धीरे से पुलिस स्टेशन ग्रेनेड को लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि उसे लगाकर अगर ग्रैंट मर गया तो बाकी भी अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल के अंदर पहुंचते ही एक इन्फेक्टेड हिरण ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किस्मत से काइली ने बिल को वहां से बचा लिया। जोम्बिस स्टेला को सही सलामत उसके घर पर लेकर आए और उसके बिस्तर पर उसे लेटा दिया। बिल जोम्बिस का पीछा करके स्टेला को ढूंढने निकल गया। जैक को जब होश आता है तो देखता है कि वो बेसमेंट में है और वहां पर जोम्बिस कच्चा मांस खा रहे हैं। फिर जैक जैसे तैसे सीढ़ियों पर ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहां का दरवाजा खुलने से पहले ही ग्रैंड के टेंटिकल्स ने उसे मारकर गिरा दिया था। स्टेला ने भी अपने कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा,
तो उसने एक नुकीला ब्रश अपने कपड़ों में छुपा लिया। ग्रैंट ने अभी तक स्टेला को इन्फेक्ट नहीं किया था, जिसका मतलब उसके पास स्टेला के लिए खास प्लान था। अगर ग्रैंट के मन में अभी भी स्टेला के लिए फीलिंग्स हैं, तो वो स्टेला को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उससे स्टेला बस एक बददिमाग ज़ॉम्बी बन जाएगी। और ग्रैंट स्टेला का दिमाग ठीक रखना चाहता था, क्योंकि सबके मरने के बाद में वो ग्रैंट के साथ रह सकेगी। उसने रेडियो चालू करके वही गाना लगाया जो कि शुरुआत में स्टेला ने लगाया था, ताकि स्टेला उसके पास आए। यहाँ पर बेसमेंट में अब जैक को भूख लगने लगी थी, तो उसने एक लाश को ही खाना शुरू कर दिया। स्टेला ने नीचे आकर खुद की तस्वीरों को दीवारों पर लगा देखा, और वहां पर ग्रैंट ने उसकी हमेशा ग्रैंट के साथ रहने वाली कसम तोड़ देने के लिए उसे ताना मारा। यहां पर काइली और बिल ग्रैंट के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्रैंट ज़ॉम्बीज को अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है। वो जब स्टेला को अपने टेंटेकल से पकड़ने लगता है, तो स्टेला उसे माफी मांगना शुरू कर देती है। और जैसे ही ग्रैंट ने स्टेला के मुंह से अपना नाम सुना, तो उसने स्टेला को छोड़ दिया। फिर ग्रैंट के शांत होते ही स्टेला ग्रैंट के पास आती है और उसके साथ हमेशा रहने के लिए कहती है। ग्रैंट के करीब आते ही स्टेला ने अपना ब्रश निकाला और उसे ग्रैंट को घुसा दिया, जिससे कि ग्रैंट दर्द से चिल्ला रहा था, और उसने स्टेला को अपने टेंटिकल से मारकर दूर फेंक दिया। स्टेला को यह पता था कि उसके सामने बैठा हुआ जीव ग्रैंट नहीं है, लेकिन उस एलियन के अंदर भी ग्रैंट की यादें थी। उसने स्टेला का फेवरेट गाना बजाकर उसे इस बात को महसूस भी करवाया कि वो अभी भी स्टेला से उसका वादा निभाने को कह रहा है, और इसके कारण वो अभी भी एलियन की जान नहीं ले सकती। बिल और काइली घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर जैक ने उन्हें उसे मार देने के लिए कहा, तो बिल ने उसे शूट कर दिया, जिससे कि वो मरकर इन पैरासाइट से आज़ाद हो गया। फिर जैसे ही बिल ने ग्रैंट को देखा, तो उसने ग्रेनेड की पिन निकाल ली, पर ग्रैंट ने अपने टेंटिकल से उस ग्रेनेड को दूर फेंक दिया। बिल जैसे तैसे उसे वापस लेकर आया, लेकिन वो ग्रेनेड पूल में गिर गया, और फिर ग्रैंट ने काइली पर सोफा फेंक कर उसे बेहोश कर दिया। ग्रैंट अब बिल को टेंटिकल से मारने आता है, पर बिल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, और उसने उसके टेंटिकल्स को केरोसिन के डब्बे में लगा दिया, जिसे ग्रैंट की बॉडी ने नीचे लिया। और जैसे ग्रैंट ने बिल को अंदर खींचा, बिल ने स्टेला को ग्रैंट पर गोली चलाने को कहा, जिससे कि थोड़ा सोचने के बाद में स्टेला ने गन का ट्रिगर दबा दिया, और उसके अंदर गैस के जाने के कारण ग्रैंट एक्सप्लोड हो गया, और ग्रैंट के मरते ही सारे ज़ॉम्बीज भी जमीन पर गिर गए। फिर आखिरकार जब बिल, स्टेला और काइली बाहर निकले, तो उन्हें वहां पर कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला। स्टेला ये कहती है कि बिल को अब उसके साथ हॉलीवुड न भागने पर पछतावा हो रहा होगा, जिस पर बिल ये बताता है कि उससे हमेशा से ही इस बात का पछतावा रहा है। मूवी में दिखाया गया है कि शहर में अब कोई भी इंसान नहीं बचता, जिससे कि ये तीनों दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।